आईपीएल के 13वें सीजन का तीसरा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 7:30 बजे होगा। बल्लेबाजी के मोर्चे पर जहां हैदराबाद में डेविड वार्नर, जॉनी बेस्ट्रो और केन विलियमसन हैं, वहीं बेंगलोर के पास विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और एरन फिंच जैसे बड़े खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी की बात करें तो हैदराबाद के पास भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान और मोहम्मद नबी जैसे टी20 के स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं। वहीं बेंगलोर के पास डीएसटेन, युजवेंद्र चहल और एडम जंपा जैसे अनुभवी गेंदबाज हैं। आईपीएल इतिहास में हैदराबाद और बेंगलोर की आपसी भिड़ंत पर नजर मारी जाए तो हैदराबाद और बेंगलोर के बीच आईपीएल में अब तक कुल 15 मैच खेले गए हैं, जिसमें हैदराबाद ने 8 मैच जीते हैं जबकि बेंगलोर 6 मैच जीतने में कामयाब हुई है। हालांकि एक मैच का परिणाम नहीं निकला। अगर बात करें हाईएस्ट स्कोर की तो हैदराबाद का बेंगलोर के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर 231 रहा है, वहीं बेंगलोर का हैदराबाद के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर 227 है। बात अगर लोअर स्कोर की करें तो हैदराबाद का बेंगलोर के खिलाफ लोअर स्कोर 135 रहा है, वहीं बेंगलोर का हैदराबाद के खिलाफ लोअर स्कोर 113 है। इसके अलावा अगर यूएई में इन दोनों टीमों के रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों ने यूएई में 5-5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें हैदराबाद और बेंगलोर दोनों ही 2-2 मैच जीतने में कामयाब रही। आईपीएल ट्रॉफी की बात करें तो हैदराबाद ने 2 बार यह खिताब अपने नाम किया जबकि बेंगलोर 1 बार भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। आंकड़ों के हिसाब से हैदराबाद की टीम बेंगलोर पर भारी पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम जीत के साथ इस सीजन का आगाज करती है। आपके मुताबिक कौन सी टीम आज का मैच जीतेगी, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आईपीएल से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल बीइंग वॉच को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन को दबाएं और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो करें।